नमस्कार, ई न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। विगत दिनों सीधी में हुए सड़क हादसे के बाद हरकत में आए प्रशासन ने आज प्रशासनिक अधिकारियों, परिवहन अधिकारी व ट्रांसपोर्टरों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सभी से सुझाव मांगे गए और हर विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है। कलेक्टर साकेत मालवीय और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा द्वारा सभी से सामूहिक प्रयास कर दुर्घटनाओं को रोकने में सहयोग की मांग की गई। साथ ही ट्रांसपोर्टरों के सभी नियमों के पालन करने की बात कही गई। सीएम ने आज सुबह लाजली बहनों के साथ पौधारोपण किया और इसके बाद पूर्व सीएम उमा भारती से मिल आशीर्वाद लिया। सीएम शिवराज ने ट्विट कर लिखा, आज का दिन मेरी लाडली बहनों का दिन है। इस ऐतिहासिक दिन पर मैंने अपनी आदरणीय दीदी उमा भारती का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले लाडली बहना तो मैं ही हूँ। सबसे पहली लाडली बहना मैं। ओ प्रणाम। हाँ, आप कैसे याद करते हैं? सतना में शबरी मैया के महाकुंभ के आयोजन में कोल समाज के सभी लोगों ने मांग की थी कि त्योथर स्थित कोलगढ़ी का जीर्णोद्धार किया गया। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि कोलगढ़ी के जीर्णोद्धार का शिलान्यास हो गया है। कोलगढ़ी कोल समाज का गौरव, सम्मान, स्वाभिमान है। इस मान सम्मान को वापस लौटाने का हमने काम किया है। कोल समाज के बहनों भाइयों को पट्टा देने का काम किया जाएगा। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना पट्टे के नहीं रहेगा। मैं कोल समाज को विश्वास दिलाता हूँ कि हर गरीब के साथ शिवराज मामा और पूरी बीजेपी सरकार खड़ी है। गरीब को पट्टा, राशन और उनका सामान लौटाने का हम काम कर रहे हैं। कोलगढ़ी के जीर्णोद्धार के साथ ही जहाँ भगवान बिरसा और शबरी मैया की मूर्ति में लगाई जाएगी। कोल समाज ने भगवान राम के लिए पूर्ण कुटी बनाकर दी थी। आप लोगों को सम्मान पूर्ण जीवन जीने का हक है। यह देश अपना वो बगीचा है जहाँ अलग अलग रंग के फूल खिले हैं और उनमें से एक सुंदर फूल है कोल समाज। आज 3000 से ज्यादा पट्टे बांटे गए हैं। ये पट्टे आप लोग को भूमि का अधिकार दे रहे हैं। शेष लोगों को पट्टे दिए जाएंगे और वहां मकान का भी इंतजाम किया जाएगा। और मैं इतना ही चाहता हूं कि आपको सम्मान पूर्ण जीवन जीने का हक है। यह देश अपना बगीचा जहां अलग अलग रंग के फूल खिले हैं, उनमें से एक सुंदर फूल है कोल समाज। और इसलिए आज 3000 से ज्यादा पट्टे बांटे गए हैं। ये पट्टे आपको भूमि का अधिकार दे रहे हैं। जो बच्चे हुए हैं उनको भी पट्टे दिए जाएंगे और पट्टे के बाद वहां धीरे धीरे मकान बन जाए उसका भी इंतजाम किया जाएगा। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक हो जाए, इसलिए भी मैं कोल समाज से यह आह्वान करता हूं कि अपने बच्चों को ढंग से पढ़ाइए। मैं आपको वचन देता हूं कि बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए मेडिकल इंजीनियरिंग में भी अगर वो चले गए तो पढ़ाई की फीस भी चाहे कितनी भी हो माता पिता नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश भी हमारा तेजी से आगे बढ़ रहा है और हर गरीब का सम्मान और हर नौजवान को स्थान। आपको याद होगा जब सतना में सबरी मैया का कुंभ का आयोजन किया गया था और सबरी महाकुंभ में कौल समाज के हमारे सब बहनों और भाइयों ने एक बात सबने उठाई थी कि हमारी कौल गढ़ी जो त्योथर में है उस कौल गढ़ी का जीर्णोद्धार किया जाए। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है
कि कौलगढ़ी के जीर्णोद्धार का शिलान्यास संपन्न हो गया है। ये कौलगढ़ी कौल समाज का गौरव है, कौलगढ़ी कौलों का सम्मान है, कौलगढ़ी कौलों का स्वाभिमान है। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि कौल समाज का मान सम्मान और स्वाभिमान हमने वापस लौटाने का काम किया है, और इसलिए आज का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। प्रदेश व विभिन्न क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube, Facebook, WhatsApp से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप रोज की खबरें हमारे वेबसाइट www.unewsmp.com पर भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा Google Play Store पर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ MP पर। धन्यवाद।